बच्चों नमस्कार, आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, एक बादाम है, ये बादाम और इसका बोटेनिकल नेम होता है प्रूनस एमाइगडेलस होता है, माने इसका जो बोटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम जो होता है प्रूनस एमाइगडेलस होता है वो। और इसका जो सबसे उत्पादक जो अति क्षेत्र है वो कैलिफोर्निया है, वो माने इसकी सबसे अधिक खेती जो है कैलिफोर्निया में की जाती है। और भारत में इसकी खेती जो है, माने कि यह कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जो है इसको उगाया जाता है। और कश्मीर में इसकी खेती जो होती है 91% होती है, और हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती जो होती है वह 8.73%, माने 51% उत्पादक कश्मीर है और हिमाचल जो है इसका उत्पादक जो है वो 8.73% होता जो है वो। अब होती है कि बादाम को इंग्लिश में आलमंड कहते जो है वो, और यह जो होता है सुपर फूड होता है वो। अब आती जो सबसे महंगा बादाम मिलता है वह मैकडेमिया नट्स होता है, सबसे महंगा बादाम होता है वो, और इसकी जो कीमत होती है लगभग 880 रुपये पर केजी होती है इसकी कीमत जो है वो। अब आती है कि बादाम में जो है वो जिसे सुपर फूड कहा गया है, इसमें निकिल, कैल्शियम, राइबोफ्लोबिन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इसके अलावा विटामिन ई और आहार फाइबर पाया जाता है, और यह ऑक्सैलेट से भरपूर होता है वो, तथा पोषक तत्व से जो होता है यह भरपूर होता है। तो माने यह कैल्शियम और फास्फोरस इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यह हड्डी को, माने जो बोन होती है हड्डी को मजबूत करने में यह जो होता है प्रमुख भूमिका अदा करता है वो। अगर किसी को किडनी में पथरी हो या गाल ब्लैडर पित्ताशय कोई समस्या हो तो उसे बादाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या इसके अलावा अगर किसी को पाचन संबंधी परेशानी हो तो उसे भी बादाम का जो होता है प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो होता है यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और यह ब्रेन डेवलपमेंट माने मस्तिष्क के डेवलपमेंट को ये मजबूत करता है। अगर जो है वो महिलाओं को पीरियड्स दौरान हो तो पीरियड्स दौरान जो है बादाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्लीडिंग को ये बढ़ा देता है वो। अब आती है कि अगर खाली पेट बादाम खाया जाए तो इसके खाने से जो होता है पित्त बढ़ता है वो, माने अगर खाली पेट बादाम खाते हैं तो पित्त जो होता है ये बढ़ता है वो। अब आती है कि जैसे हमने बताया कि इसमें विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ई, फाइबर, मैग्नीशियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कॉपर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें जो होता है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो फाइबर अधिक मात्रा में होता है इसलिए पाचन संबंधी समस्या को जो है ये सही कर देता है ये। इसके अलावा यह स्किन को सॉफ्ट करता है और वजन को कंट्रोल करने में जो होता है ये सहायक होता है वो। अब आती है कि यह मेमोरी को तेज़ कर देता है, और हृदय को माने हार्ट जो होता है वह उसको हेल्दी करने में जो होता है यह बहुत अच्छा कारगर उपाय है, माने इसके सेवन से हार्ट हमारा हेल्दी हो जाएगा। अब आती है कि पाचन के लिए जो होता है बहुत ही बेहतरीन होता है वो, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा जो होती है वह अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अब आती है कि इसका सेवन जो है 50 से 55 ग्राम जो है हम पर डे कर सकते हैं, और अच्छा इसको भिगो कर खाइए, भिगो करके और छिलका निकाल करके इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह ऑक्सैलेट से जो होता है भरपूर होता है, इसलिए छिलका को निकाल करके जो होता है इसका प्रयोग करना चाहिए बादाम को जो है वो। अब आती है कि इसका जो क्षमता है कि इसका सबसे अधिक उत्पादक जो है कैलिफोर्निया के सेंट्रल वैली, माने कैलिफोर्निया के सेंट्रल वैली में जो होता है इसका अधिक उत्पादक होता है, लेकिन इंडिया में माने भारतवर्ष में कश्मीर में यह इसका 91% और हिमाचल प्रदेश में इसका 8.73% उत्पादन होता है। इसके अलावा जो होता है
इसका उत्पादन करने वाला राज्य जो है उत्तराखंड है वो। तो बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो कि बादाम आप खाएंगे, बादाम को क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे, जिसको कि हमने बताया। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बच्चों ना भूलिए। धन्यवाद।